विकलांग कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश की मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया है। संघ ने कुछ दिन पहले जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को अपनी 25 मांगों पर कार्रवाई हेतु एक ज्ञापन भी भेजा था, जिस पर 10 दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम भी सरकार को दिया था, लेकिन सरकार द्वारा कार्रवाई न करने से नाराज विकलांग कल्याण संघ ने 30 नवंबर को धर्मशाला में सरकार के खिलाफ रोष रैली निकालने के साथ आमरण अनशन शुरू करने का निर्णय लिया है। विकलांग कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश की मांगों पर सरकार ने गौर नहीं किया है। संघ ने कुछ दिन पहले जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को अपनी 25 मांगों पर कार्रवाई हेतु एक ज्ञापन भेजा था, जिस पर 10 दिन में कार्रवाई का अल्टीमेटम भी सरकार को दिया था, लेकिन सरकार द्वारा कार्रवाई न करने से नाराज विकलांग कल्याण संघ ने 30 नवंबर को धर्मशाला में सरकार के खिलाफ रोष रैली निकालने के साथ आमरण अनशन शुरू करने का निर्णय लिया है। ये बात विकलांग कल्याण संघ की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेशाध्यक्ष तकदीर सिंह ने कही। उन्होंने बताया कि संघ की प्रमुख मांगों में दिव्यांगों का आरक्षण 10% बढ़ाने, दिव्यांगों को 5,000 रुपए पेंशन प्रतिमा देना प्रमुख है। उन्होंने बताया कि प्रदेश भर में दिव्यांगों का आंकड़ा लगभग 1.5 लाख है, जो कि संघ से जुड़े हैं। 30 नवंबर को रोष रैली में प्रदेश भर के दिव्यांग भाग लेंगे तथा अपनी मांगों को न मानने के विरोध में सरकार के खिलाफ रोष जताएंगे। इस अवसर पर संघ के प्रदेश कानूनी सलाहकार सुरेश ठाकुर, राजेश शर्मा, सीमा, पूजा व अन्य उपस्थित रहे। विकलांग कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष तकदीर सिंह ने कहा कि संघ ने अपनी 25 मांगों को लेकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा था, जिस पर कार्रवाई हेतु 10 दिन का समय दिया गया था। सरकार ने मांगों पर गौर नहीं किया। शायद सरकार हमें कीड़े मकोड़े समझती है। सरकार के उदासीन रवैये के चलते विकलांग संघ नाराज है तथा संघ द्वारा 30 नवंबर को धर्मशाला में रोष रैली निकालने के उपरांत डीसी कार्यालय के बाहर आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। मुख्य मुद्दा यह है कि हमारे 25 मांगों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी को एसी के माध्यम से ज्ञापन भेजा था, तो आज हमारा जो टाइम पीरियड वो खत्म हो गया। 10 दिन का टाइम दिया था उनको हमने, और हमारी जो 30 तारीख को जो है हम एक मरण भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं, और दूसरा हमारी एक किलोमीटर की शीर्ष मार्ग से लेकर डीसी ऑफिस तक एक रोष रैली, सरकार के प्रति रोष रैली होगी। उस दिन पूरे प्रदेश के हमारे दिव्यांग यहाँ पे आएंगे। जो हमारी मांगे हैं, मतलब सरकार ने हमें मतलब इस लायक नहीं समझा, हम कीड़े मकोड़े हैं और साथ में भिखारी बना के रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि अब हमें ये मरण आश्रम जो है, सरकार चाहती है कि अब आंदोलन पे हमें एक ऐसा बल्कि शांति पे भर था हम, और सरकार ने हमें इस लायक बना दिया कि अब हमें मरने पे मजबूर कर दिया। तो हम मरण भूख हड़ताल का जो निर्णय वो 30 तारीख को 11 बजे हम मरण भूख हड़ताल पे बैठेंगे। मांगे क्या थी आपकी? मांगे सर 4% हमारा, एक तो रक्षण था, और दूसरा हमारा था एक क्या नाम विकलांग भवन, और तीसरा हमें पेंशन जो 5,000 रुपया होनी चाहिए।